हेलो एवरीवन, वंस अगेन माय सेल्फ जयव्यास फ्रॉम महालक्ष्मी ट्यूटोरियल हार्टली वेलकम्स यू ऑन माय चैनल। बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू से प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल सो दैट यू कैन गेट नेक्स्ट नोटिफिकेशंस। थैंक यू। नाउ कम टू द पॉइंट, आवर टुडेज टॉपिक इज फ्रॉम क्लास 7th, नेम अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। As I says in my every video that we should come to know about difficult words so that we can easily understand the topic. Let's start. Protest. Protest means objection or disapproval. Suspicious means doubtful or unsure. Loinsman. Loinsman means long hair of loin's neck. शेर के गले के बाल होते हैं. Giggled. Giggled means light और सिली लाफ, खिसियाना, मुंह बंद करके चुपचाप हंसते रहना, कंटिन्यू। एम्ब्लम, एम्ब्लम मीन्स सिंबल या टोकन। डायनेस्टी, डायनेस्टी मीन्स ब्लड लाइन या एंसेस्ट्रल लाइन बोलते हैं, वंश, पीढ़ियाँ। डिसेंडेंट, डिसेंडेंट मीन्स सक्सेसर या हम कहते हैं वंशज, उत्तराधिकारी भी बोलते हैं हम। नेक्स्ट बास्टेट, बास्टेट मीन्स कैट गॉडेस ऑफ इजिप्ट। इस चैप्टर में आप इनके बारे में पढ़ेंगे। एंड स्टोवावी, स्टोवावी होता है अ पर्सन हु ट्रैवल्स विदाउट टिकट, बिना टिकट यात्रा करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं स्टोवावी। एंड जनरली हम जब ट्रेन की लंबी दूरी की यात्रा करते हैं तो हमें ऐसा एक दो पर्सन मिल जाते हैं। स्करीड, स्करीड मीन्स मूव हरीडली विद शॉर्ट क्विक स्टेप्स, तेज गति से चलना। व्हीजिंग, व्हीजिंग मीन्स विसल साउंड ऑफ ट्रेन, यानी ट्रेन की सीटी की आवाज़, या ये भी कह सकते हैं कि ट्रेन चलती है तो हवा जब उसे टकरा कर ट्रेन आगे निकलती है तो वो जो सीटी सी आवाज़, सीटी की आवाज़ जैसे आवाज़ आती है उसे भी हम व्हीजिंग साउंड बोलते हैं, कंटिन्यू आने वाली। नाउ स्टार्ट द चैप्टर। दिस स्टोरी इज अबाउट अ यंग गर्ल मृदु, मृदु ग्रोइंग अप इन मद्रास, नाउ कॉल्ड चेन्नई, विद तापी हर ग्रैंड मदर एंड थाता हर ग्रैंड फादर। चेन्नई मद्रास में दादा दादी को तापी और थाता बोलते हैं, उनके साथ वो रहती हैं। वन आफ्टरनून तापी टेक्स मृदु टू हर आंट रुकुमनीज हाउस टू मीट हर कजन्स लल्ली, रवि एंड मीना। एक दोपहर को उसकी तापी यानी उसकी दादी उसको रुकुमनी आंट के घर लेके जाती हैं ताकि वो अपने कजन्स से मिल सके। अ स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर, और रुकुमनी स्माइल करते हुए दरवाज़ा खोलती हैं। रवि एंड मीना रस्ट आउट, रवि और मीना बाहर की ओर आ जाते हैं। एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस, वेट लेट मी टेक ऑफ माय स्लीपर्स प्रोटेस्टेट मृदु। रवि उसको अंदर की ओर खींचता है लेकिन मृदु उसको प्रोटेस्ट करती है, रोकती है, रुको मुझे मेरे जूते खोलने दो, स्लीपर खोलने दो। शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस, और वो बाहर बहुत ही साफ स्वच्छता से अपने जूते तरीके से खोलती हैं और बड़े से ब्लैक कलर के जूते पड़े हैं पास में स्लीपर, उनके पास में अपने जूते भी खोलती हैं। और जो जूते पड़े थे उनके बारे में बताया है कि दोज वर ग्रे एक्चुअली विद द डस्ट, जो बड़े से स्लीपर जहाँ वो मृदु अपने स्लीपर खोलती हैं तो उनके पास में बड़े से स्लीपर पड़े हैं वो एक्चुअली ग्रे हैं, और ग्रे हैं डस्ट की वजह से। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर, हर स्लीपर के फ्रंट पार्ट के पैर पर टो उसके निशान दिखाई दे रहे हैं क्लियरली। द मार्क्स फॉर द बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी, और जो बड़े टो के यानी अंगूठे के जो निशान हैं वो बड़े बड़े हैं, बिल्कुल क्लियर हैं और ज़्यादा धंसे हुए हैं। मृदु डिंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हुज स्लीपर्स दे वर, मृदु के पास इतना समय नहीं था कि वो ये सोचे कि ये किसके जूते हैं, बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड। क्यों नहीं था? क्योंकि रवि उसको सीधा बैकयार्ड की ओर खींचता हुआ लेके जाता है। बिहाइंड अ थिक बीटर बैरी बुश, एक बैरी बुश के पीछे लेके जाता है। देयर वहाँ क्या देखते हैं, इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइन विद स्टेकिंग एंड फील्ड विद सैंड ले अ वेरी स्मॉल किटन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल। उस बुश के पीछे एक बिल्ली बैठी है, बिल्ली का बच्चा बैठा है जो कि कोकोनट की हाफ शेल के अंदर मिल्क पी रहा है।
We found him outside the gate this morning. He was mewing, poor thing, said Meena. Meena ने कहा कि हमने उसको आज सुबह गेट पर देखा था, वहाँ पर वो हमको मिला है, बेचारा कराह रहा था, mewing mew कर रहा था. अम्मा says पति will leave for our पडू मामाज हाउस इफ शी नोज वी हैव अ कैट. अगर दादी को पता चल गया हमारे घर बिल्ली है तो वो वहाँ से पडू मामा के वहाँ चली जाएगी. पीपल आर telling us to be kind to animals, but when we are, they screamed, "Oh, don't bring that dirty creature here," said Ravi. Ravi ने कहा कि लोग यों तो कहते हैं कि हमें जानवरों के प्रति दया रखनी चाहिए, लेकिन जैसे ही हमारे पास में ये जानवर आते हैं, हम इन्हें रखते हैं, वो उनको dirty creature बोलकर भगा देते हैं. Do you know How hard it is just to get a little milk from the kitchen? तुम जानते हो एक थोड़ा सा दूध जो किचन से लाना था, बहुत मुश्किल हुआ मेरे लिए ये काम करना. पाती saw me with a glass in my hand just now. अभी पाती ने मेरे हाथों में दूध का ग्लास लिए, मुझे देख लिया. I told her I am very hungry. I want to drink it. But the way she looked at me, मैंने दादी को बोला कि मैं बहुत भूखा हूँ और मुझे दूध पीना चाहता हूँ मैं, लेकिन इतना कहते ही उन्होंने जिस तरीके से मुझे देखा, हे भगवान. आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सैंड. उनके डाउट को भगाने के लिए मुझे इसमें से आधे से ज़्यादा दूध को वहीं उनके सामने पीना पड़ा. देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक. और फिर वो चाहती थी कि वो ग्लास वापस ले ले. पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ. तब मैंने कहा कि मैं इसे खुद धो दूंगा. वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आई टोल्ड हर. मैं आपको ये ग्लास धोने का ट्रबल क्यों दूँ. आई हैड टू रन एंड पॉर द मिल्क इन टू दिस कोकोनट शेल. और मुझे वहाँ से वो ग्लास लेके भागना पड़ा और वो दूध इस कोकोनट शेल में डालना पड़ा. एंड देन रन बैक. और फिर मैं वापस यहाँ से भागा. एंड वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस. और इससे पहले कि दादी को डाउट हो जाए, उसके पहले मैंने उस टम्बलर को धोया और उसको वापस जगह पे रख दिया. Now we have to think of some other way to feed Mahindran. अब हमें महेंद्रन को फीड करने के लिए कुछ दूसरा तरीका देखना पड़ेगा. महेंद्रन, this little kitty's name is Mahindran. इस किटी का नाम महेंद्रन है. मृदु was impressed. It was real name, not just a cute किटी ने किटी कैट नेम. कि ये तो कोई रियल नेम लगता है, ये किटी का नाम नहीं लगता है. Actually his full name is महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनाई MP पोनई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक. एक्चुअल में उसका पूरा नाम तो महेंद्र वर्मा पल्लवा पोनई है, लेकिन शॉर्ट में अगर आप चाहें तो आप उसको MP पोनई भी बोल सकते हो. ही इज़ फाइन ब्रिड ऑफ कैट. वो बिल्लियों की एक बहुत ही अच्छी नस्ल की है. जस्ट लुक एट हिज फर, लाइक अ लॉयंस मैन. उसके फर देखो, बिल्कुल शेर के जैसे लगते हैं. एंड यू नो वॉट द एम्ब्लम ऑफ द एंशंट पल्लवा किंग वॉज, डोंट यू. तुम जानते हो प्राचीन पल्लव राजाओं का जो राज चिन्ह था वो क्या था. ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु. उसने मृदु की ओर भी देखा, बट मृदु गीगल्ड. मृदु तो खिसिया गई, उसको पता भी नहीं था इसका मतलब क्या होता है. थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट, आई विल शो यू समटाइम्स. तुम सोचते हो कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन रुको मैं तुम्हें बताता हूँ. मैंने तुम्हें कई बार बताया भी है. इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री. ऐसा लगता है स्पष्ट हो गया है कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ भी पता नहीं है. हैवंट बीन टू महाबलीपुरम. क्या कभी महाबलीपुरम नहीं गए. हैव यू, क्या कभी गई हो. ही सेड मिस्टीरियसली, बहुत ही विचित्र तरीके से, रहस्यात्मक तरीके से वो बोला. वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई सॉ अ स्टैचू ऑफ हिज थाताज 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 थाता एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तुम जानते हो जब मैं अपनी क्लास के ग्रुप के साथ महाबलीपुरम गया, तो वहाँ मैंने इस स्टैचू एक स्टैचू देखा था जो इसके यानी महेंद्र वर्मा के थाता के थाता के थाता के थाता के थाता एक्सेट्रा एक्सेट्रा दादा के दादा के दादा के दादा के दादा पता नहीं क्यों कि कौन से दादा उनका स्टैचू था वहाँ पे. फैक्ट इज महेंद्रन हेयर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशंट कैट. फैक्ट ये है कि ये महेंद्रन जो है वो उस प्राचीन बिल्ली का वंशज हैं. अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लॉयन.
साइंटिफिकली अगर कहें स्पष्ट रूप से तो ये भी बिल्कुल लॉयन ही, लॉयन के जैसा ही है। द पल्लवा लॉयन एम्बलम ऑफ पल्लवा डायनेस्टी, पल्लवा लॉयन पल्लव वंश के शेर, एम्बलम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी, जो पल्लव वंश का राज चिन्ह था वही बिल्ली है, उन्हीं का वंशज ये महेंद्र वर्मा है। रवि वेंट ऑन, रवि कंटिन्यू बोलता रहा, वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश, उस बिटर बेरी बुश के चारों तरफ घूमता रहा, वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, एक ट्विग ली उसने टहनी और उसको अप डाउन करता रहा, हिज आइज स्पार्कलिंग, उसकी आंखें एकदम से चमकने लगी, दिस कैट इज अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, ये कैट कोई और नहीं बल्कि महाबलीपुरम की ऋषि कैट के वंशज हैं। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर शिप्ड कैट्स इन एंशंट इजिप्ट, और मैं तुम्हें अगर याद दिलाऊं तो तुम्हें याद आएगा कि ये बिल्ली उस मिस्र में, प्राचीन मिस्र में उसकी पूजा की जाती थी। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स, मीना और मृदु ने अपनी लुक्स को एक्सचेंज किया, एक दूसरे की ओर देखा और कहा, सोचा कि अपनी आवाज़ अपनी बात को सुनना वो कितना पसंद करता है। वॉट डज दैट हैव टू डू विद एनी थिंग, मृदु डिमांडेड, मृदु ने डिमांड की कि ऐसा भी क्या। आई एम टेलिंग यू द कैट इज डिसेंडेंट फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड, नो गॉडेस बास्टेट, या दैट इज दैट्स इट, हाँ मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये कैट जो है वो डिसेंडेंट है इजिप्शियन कैट गॉडेस, इजिप्ट की जो कैट गॉडेस है जिसका नाम बास्टेट है उसी की वंशज है ये बिल्ली। सो तो वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट of that cat goddess was stowed away in one of the Pallava ships and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat whose descendant is Ravi flourished his twig at Mahendran. वो बताया जा रहा था कि ये cat goddess जो है उसकी वंशज वो यहाँ पर आ गई थी ship में बैठ कर और वहाँ से वो ऋषि cat पहुँच गए, ऋषि महाबलीपुरम की ऋषि cat के descendant बने, वो बोले जा रहा था तभी उसने अपनी ट्विग को महेंद्रम की ओर किया, फ्लॉरिश किया, एम पी पोनाई हे आओ वो पीक ही श्रिक्ड, तभी वो चीखा जोर से, आ वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, खुशी से एकदम खुशी के मारे चीखा वो, यह महेंद्रन लुकड अप, महेंद्रन ने ऊपर देखा, अल्लाह एकदम चौंकते हुए, ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉ ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल, वो क्या कर रहा था, दूध पिया उसके बाद में उसने अपनी वो जो कोकोनट शेल थी उसके एज उसके किनारे से अपने दांतों को अपने नेल्स को वो शार्प कर रहा था, बट वर्स देन रवीज ऑफुल वू पीक वॉज अ क्रीक, लेकिन उसकी आवाज़ रवि की क्रीक से भी ज़्यादा खराब थी, फ्रॉम द विंडो, और तभी एक आवाज़ उसको सुनाई दी जो खिड़की से आ रही थी, क्रीक यानी एक साउंड, फ्रॉम द विंडो खिड़की से आया, What a weird sound! If Mridu was startled, Mridu भी एकदम चौंक गई और उसने कहा कि ये एकदम unusual sound कैसा है? Hair standing on end, the bounce up and scurried toward a bamboo. Sorry, MP Ponai was frightened out of his wits. MP Ponai एकदम से डर गया. Hair standing on end और वो वहाँ से रोंगटे खड़े करते हुए भाग गया, ही बाउंस अप उछल गया एंड स्क्रीक टवर्ड अ बैम्बू ट्रे ऑफ रेड चिली दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई, और कोई बाहर चिली सुखाने के लिए बैम्बू की ट्रे पड़ी थी उसके ऊपर वो जंप कर गया, बाउंस कर गया, ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, उसको अपने आप को उसके नीचे छुपाते हुए, ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, उसने खुद के ऊपर कुछ चिलीज डाल दी, मियाओ ही हाउल्ड मिजरेबली, और बहुत ही कष्टपूर्ण आवाज़ में वो कहने लगा मियाओ। नाउ द क्रीकिंग वेंट ऑन एंड ऑन, वो क्रीकिंग साउंड जो था वो अभी भी कंटिन्यू चलाया जा रहा था, आ ही जा रहा था, व्हाट दैट नॉइज सेट मृदु, मृदु ने आखिर पूछा ये आवाज़ क्या है, दैट्स लल्ली लर्निंग टू प्ले द वायलिन ग्रंटेड रवि, और रवि को रवि ने गुर्राते हुए बोला ये लल्ली की आवाज़ है, लली क्या कर रही हैं, लर्निंग टू प्ले द वायलिन, वायलिन बजाना सीख रही हैं,
और वो जब वॉयलिन बजाती है तो वो ऐसी ही आवाज़ आती है. शी विल नेवर लर्न अ थिंग, वो कभी भी ये नहीं सीख पाएगी. द म्यूजिक टी मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन वीजिंग ऑन एंड ऑन. जो म्यूजिक मास्टर है वो कंटिन्यू उस वॉयलिन को बजाता रहता है और सीटी निकलती रहती है उसकी भी. जैसे ट्रेन की कंटिन्यू विसल की आवाज़ आती है, वैसे ही उसकी वॉयलिन की भी आवाज़ कंटिन्यू आती है. व्हाइल लल्ली इज ऑल द टाइम डिरेलिंग, मास्टर जी की तो बराबर पटरी पे चलती है और सीटी जैसी आवाज़ आती है, लेकिन लल्ली जब बजाती हैं तो वो डिरेलिंग हो जाती है, यानी उसकी ट्रेन वॉयलिन सीखने की जो ट्रेन है वो पटरी से नीचे उतर जाती है. गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, बिल्कुल ट्रैक से नीचे उतर कर, मतलब वो बिल्कुल भी धुन में, बिल्कुल भी अच्छे से सुर में नहीं गाती है. और अभी कहता है कि वो बिल्कुल कभी भी नहीं सीख पाएगी. नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब सो दैट यू कैन गेट नेक्स्ट नोटिफिकेशन. थैंक्स अगेन.